ऐसे कर सवार रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे का टाइम है और मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है जाकर के, पर इतना पता है कि काम आज करना है, तो जाकर के मम्मी से पूछती हूँ। पर काफी कर रही थी मम्मी, तो पहले मैं यहाँ का सफाई करूँगी। अब मैं पहले सारा ये सफाई कर लेती। इसको ना शर्म बहुत ज्यादा आती है, पता नहीं क्यों। मेरा मूड खराब कर देता, मैं इतना पानी गर्म करूँ, पहले इसको पिलाऊंगी। थोड़ा सा मम्मी के लिए चाय बना करके देना मम्मी को, ये मैं दूध रख रखा है और इसी में चाय बना दूंगी। सारे चीज बनाने का ये होता है ना कि अंदाजा सा है मुझे, पर ये चाय बनाने का चीनी रखना है, कितना चाय पत्ती रखना है, ये सब पता नहीं। इंजली ग्लोइंग रस नाम सवर रस, इसको खाते ही खो जाओगे, मतलब पीते ही खो जाओगे। सबसे घटिया चीज है, इसको पता है आपको भी ना बढ़िया लगेगा कि जो फायदे हैं, बॉडी हल्की सी लगेगी। उसके बाद ये क्या है, पेट साफ करेगा। जिनको पेट का प्रॉब्लम है, मेरे घर में सभी को पेट का ही प्रॉब्लम है, तो ये ठीक है। तो इसमें से 3-4 कर लो। तीन रुकड़ डालूंगी, परेशान नहीं करना चाहिए जितना आप परेशान करती हो। बार बार गुस्सा हो जाते, इतना तो किसी की मम्मी भी गुस्सा नहीं होती। आप लोग की मम्मी गुस्सा होती है इतना? मेरी मम्मी तो पॉइंट पॉइंट पर गुस्सा होती रहती है, मेरा वीडियो ना बन ही नहीं पाता सही से। सर प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं पड़ेगा, जैसे मालिक ही बोलेगा हल्के में। करना तो कुछ नहीं पड़ेगा प्रमोशन के लिए, मुझे पता है, बस मेरा एक छोटा सा वर्ड कर देना, उसी में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। बोर लगे हमारा नौ करेंगे, हम खुद जाके कर लेवे कुछ, आराम से एगो दुकान खोलवाई ओएमएस और उसके कभी कम है 10 रुपीज। क्या होगी पापा जब जॉब करते हैं तो बोनस मिलता है या नहीं मिलता है? तू जॉब कर रहा है, मतलब ये भी तो जॉब ही है ना। सुबह में तुम्हारे डांट सुनो, चाय केला उन्हें है, सेब है, फ्रूटी। जाते जाते एक बार फिर मम्मी से पूछती जाती हूँ, मम्मी आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? किसी से मतलब जब मेरा मन रहता है मैं इनसे पूछती हूँ कि आप किससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तो जब क्या बोलती है, मैं किसी से नहीं प्यार करती हूँ। और जब इनका मन होता है तो ये 10 बार बोलती है मैं सबसे ज्यादा माला से प्यार करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा माला से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ चाय लेने के लिए, मैं दे रही हूँ। ठीक है, आज पापा आ रहे हैं ना? आ रहे हैं पापा? तो पापा का काम रहेगा कपड़ा धोने के, आप क्या काम करोगे? हम धोएंगे, आप धोगे। तो आज मेरे पापा आ रहे हैं, कम से कम 10 दिन बाद आ रहे हैं घर में। आज 10 दिन हम लोग ना पहले चाय नहीं पीते थे, जब जब ठंड आनी शुरू हो जाती है तो शुरू कर देते हैं पीना, इतना लेते हैं कि जितना हम इसको खा करके खत्म कर दे। इसका खर्चा रहा है हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
ये शर्ट खर्चा का घर, ये पैंट खर्चा का घर। जब मैं लगाती हूँ ना स्टेटस तो मेरे भाई के बारे में बोलते, भाई के साथ में ऐसे नहीं करके फोटो क्लिक करवाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके खेलना नहीं चाहिए। इसमें क्या लगा हुआ है, अच्छा खासा तो ये दिख रहा है बेचारा। ये भी सोचता रहता है कि मुझे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है कि से सभी बोलते हैं कि इसके साथ में नहीं करवाना चाहिए फोटो क्लिक, ऐसे कट करके ऐसे कर करके क्या मतलब। ये मेरा छोटा भाई है, मैं इससे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि पता ही नहीं चला कि ये बड़ा हो गया सबसे पहले या मैं। वैसे तो मैं बड़ी हूँ पर इसका हाइट सबसे ज़्यादा लंबा हो गया, मुझसे इतना बड़ा लगता है। तो ये रोड पे जब भी चलता है ना मैं इसके साथ चलती हूँ तो मैं इसको भैया बोलती हूँ। ऐसे दाढ़ी मोछ है इसका रोड पे, इसका नहीं नहीं वेस्ट भी नहीं हो रहा है तुम्हारा। चार खाएगा चार डिप्स मारेगा, मारोगे या नहीं मारोगे? प्रोफेशनल लेवल के वीडियोग्राफर समझ जाते हैं। बाप रे बाप। मम्मी क्या बना जाता है? रोटी बना, रोटी बनाता। और पढ़ने के बाद में ना मुझे ये थोड़ा सा हल्का हुआ है कि अब झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता, सिर्फ थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम किचन का, खाना बना लें वो भी कभी कभी। आज तो पापा आने वाले हैं, पापा के कारण मुझे भी काम करना पड़ रहा है, नहीं तो सारा काम मम्मी ही करती है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर मुझसे अगर कुछ पूछना हो आप लोग को तो इंस्टाग्राम पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई आप लोग को कर दूंगी। थैंक यू सो मच।